आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। जैसा कि कल भी हमने आपको कहा और यहां आप चार्ट पे देखेंगे तो आसानी से समझेंगे कि 120 रुपीज 20 पैसे टू 1 रुपीज 45-50 पैसे का एक कंसोलिडेट जोन है, और जिस प्रकार से 1 रुपीज 80 पैसे के रिजेक्शन के बाद स्टॉक में एक वन साइडेड डाउन ट्रेंड दिखा, और आज देखेंगे तो 20 EMA के ऊपर की क्लोजिंग रही है। और यहां मैं आपको दिखाऊं कि स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में मोर देन 3% के ऊपर ट्रेड होते हुए दिखा है। पिछले वीक में स्टॉक में मोर देन 10% तक का करेक्शन दिखा, अगेन स्टॉक ने कंसोलिडेट जोन के ऊपर की क्लोजिंग दी है, तो अगेन 1 रुपीज 80 पैसे तक के लेवल्स दिख सकते हैं। और मेरा पर्सनली टारगेट 4 रुपीज टू 5 रुपीज तक का 200% तक का टारगेट है, जो विद इन मैक्सिमम 3 टू 5 मंथ में दिख सकता है, जिस प्रकार से 5G के इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। डिलीवरी देखेंगे तो इस स्टॉक में 40-60% तक की डिलीवरी दिख रही है। इसके साथ ही दूसरा स्टॉक जो मैं कंटिन्यूअस आपको कहते हुए आ रहा हूं कि GMD वेंचर स्टॉक आपको नहीं खरीदना है, इस स्टॉक में न्यूज बोनस की है, 1:1 के बोनस डिक्लियर होने हैं, और इस न्यूज का जो 22 सितंबर लास्ट डेट है, और इस न्यूज के कारण ही स्टॉक का ट्रेंड काफी अप ट्रेंड में दिख रहा है, जबकि स्टॉक बिल्कुल भी फंडामेंटली कचरा स्टॉक है, तो बोनस के चक्कर में फंसने की गलती नहीं करें। स्टॉक ने पिछले 2 ईयर में मोर देन 200% के रिटर्न दिए, 3 मंथ में भी स्टॉक का रिटर्न देखे तो मोर देन 200% का रहा है। अगेन बोनस के न्यूज आने के बाद जो रिकॉर्ड डेट है उसके बाद अगेन ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में लगने वाला है, ये 110% श्योर है, और 10 रुपीज तक के लेवल नेक्स्ट मंथ में श्योरली देखने वाला है।